जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पे एमपीपीएससी 2020 के इंटरव्यू यहाँ से लगातार चल रहे हैं और हम हमारे फोर्थ एमपीपीएससी जो कि हमारे यूट्यूब चैनल है उस माध्यम से जो कि एनालिसिस हम लोग जो इंटरव्यू के लगातार आप लोगों को अपडेट हम लोग करवा रहे हैं। आज हमारे साथ है जो एमपीपीएससी 2020 का जस्ट सर इंटरव्यू देकर निकले हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम गगन हनवत है, मैं मध्य प्रदेश की बालाघाट जिले का निवासी हूँ। जी जी। सर क्या आपका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड क्या रहा है सर आपका? सर मेरा जो ग्रेजुएशन है वो बीएससी है, जो कि मैंने गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज इंदौर से बोर्ड किया। जी। सबसे पहले तो सर आप लोग को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि मध्य प्रदेश एमपीपीएससी का जो प्री और मेंस निकालना ही बहुत बड़ी बात होती है और आपने प्री मेंस दोनों क्वालिफाई किया, उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाइयां। शुक्रिया सर। सर थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका जो बोर्ड रहा है किनका बोर्ड रहा है सर आपका? सर मेरा देवेंद्र मरकाम सर का बोर्ड था। मरकाम सर का बोर्ड रहा है। कितनी देर सर इंटरव्यू चला है आपका? सर अप्रोक्स 20 से 22 मिनट मेरा इंटरव्यू चला। 20 से 22 मिनट इंटरव्यू आपका चला है। सर आपका एमपीपीएससी का ये कौन सा इंटरव्यू है या कौन सा अटेम्प्ट हम लोग पूछना चाहे, कौन सा अटेम्प्ट है सर आपका? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और पहला इंटरव्यू था। पहला इंटरव्यू था 19 शायद आपने दिया होगा 2019 में, तो उसमें इंटरव्यू आपका नहीं रहा। जी। सर का ये 20 का जो सेकंड अटेम्प्ट था और फर्स्ट इंटरव्यू था 2020 में जो कि सर ने दिया है, तो सर कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए इंटरव्यू बोर्ड में सर वो बताएं। सर शुरुआत जो हुई वो मेरे गृह जिले से हुई, बालाघाट के बारे में पूछा गया, बेसिक जानकारियां थी। हाँ। नक्सल समस्या से ग्रसित जिला है बालाघाट, तो नक्सल से संबंधित समस्या पूछी गई कि क्या कारण था। जी सर। क्यों है वहाँ पे, क्या उन्मूलन के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, ये सब प्रश्न पूछे। Okay. और इसके बाद सर सिटीजन चार्टर जो कि विभागों में होता है। हाँ। उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। जी जी। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन थे जैसे कि यूएन की स्थापना पूछा गया। हाँ। इसके अलावा बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है। ओके। उसके बारे में पूछा गया, किसने स्थापित करी थी। जी जी। इसके अलावा विवाह किस प्रकार की संस्था है तो संस्था क्यों कहा जाता है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। और सर इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मेरे ग्रेजुएशन से भी थे, जैसे पूछा गया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। ओके। इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार की होती है, उत्पादन कैसे किया जाता है। जी, तो ये ग्रेजुएशन से रिलेटेड आपके और कोई प्रश्न सर ग्रेजुएशन से रिलेटेड आपके जो पूछे गए? ग्रेजुएशन से रिलेटेड तो सर इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं पूछे हमने। जी। इसके अलावा एक कंडीशनल क्वेश्चन पूछे कि अगर आप किसी विभाग में कार्य करते हैं तो आपकी तीन क्या प्राथमिकताएं रहेगी जो आप करना चाहेंगे कुछ नवाचार के रूप में, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति जो लोगों का व्यवहार है। हाँ, जो नेगेटिव इमेज जो बन गई है कुछ विभागों की कुछ लोगों की वजह से, तो वो कैसे बदले, कैसे पॉजिटिव उसको आप क्या करेंगे, क्या प्रयास आप करेंगे। बिल्कुल सर। साथ साथ सर मैं बात करूं आपका हॉबी जो रहा है, आपने हॉबी डाला, वो हॉबी से रिलेटेड कोई प्रश्न आपको सर जो इंटरव्यू में पूछा गया हो? सर सर मुझसे बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि मेरी हॉबी जिमिंग थी। जी। तो मुझसे पूछा गया कि आप जिमिंग में कुछ कंपटीशन खेले हैं क्या? तो हाँ। सर मैंने बताया कि हाँ मैंने जिला लेवल पे पावर लिफ्टिंग कंपटीशन खेला है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो सर वो सहमत थे उस चीज से, उन्हें लगा कि लगता है कि हॉबी जिमिंग हो गई। जी सर। जैसा कि मैं मध्य प्रदेश से बात करूं सर, मध्य प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं, तो मध्य प्रदेश से कौन कौन से प्रश्न जो आपसे पूछे गए खास करके जो आपको याद रहे? हाल ही में जो जीआई टैग प्रदान किया गया 6 वस्तुओं को, जी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। हाँ। कि कौन सी वे वस्तुएं हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, जिन्हें जीआई टैग अभी दिया गया? ओके सर। क्या विशेषता है उनकी, जैसे कि भेड़ाघाट के बारे में पूछा उनने कि भेड़ाघाट की क्या विशेषता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि बालाघाट जिले में सतपुड़ा की श्रेणियां हैं, बिल्कुल बिल्कुल शिल्पी श्रेणी मिलती है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन उनने पूछा कि और कौन सी श्रेणियां हैं मध्य प्रदेश में। जी। तीन श्रेणियां जो है मध्य प्रदेश में उनका नाम बताओ। हाँ, हाँ। इस प्रकार के मध्य प्रदेश से प्रश्न पूछेगा। सर मैं बात करूँ करंट अफेयर्स का, काफी जो इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन है जो पिछला एनालिसिस हम लोगों ने किया, करंट अफेयर्स का काफी रोल रहा है, तो सर करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई प्रश्न आपसे इंटरव्यू में? जी सर। वंदे भारत जो एक्सप्रेस है, ओके, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया कि इसका क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है, इस प्रकार के क्वेश्चन करंट से। करंट से और कोई प्रश्न सर जो करंट से वंदे भारत के अलावा आपको? नहीं सर, वंदे भारत के अलावा बस एक ही प्रश्न। एक ही प्रश्न था सर। साइकोलॉजी की अगर बात करूं, जैसे साइकोलॉजिस्ट बोर्ड में बैठते हैं, तो साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रश्न? साइकोलॉजी से वही था, विवाह से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन था, विवाह से रिलेटेड, बाकी उसके अलावा तो कोई प्रश्न साइकोलॉजी से रिलेटेड? जी जी। या कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सर? हिस्ट्री से वही था कि स्थापना किस वर्ष हुई थी बिहार हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बस एक ही क्वेश्चन पूछा। जी जी। थोड़ा सा सर ये तो बात हुई हमारे इंटरव्यू की, आने वाले जो विद्यार्थी जो की मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, प्री और मेंस के लिए कुछ बच्चों को आप मोटिवेट करेंगे, किस तरह से विद्यार्थी तैयारी करें
जो कि प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए बेहतरीन है उनके लिए सर। प्रीलिम्स के लिए सर मैं ये कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज लगाएं जी। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतने ज्यादा डायमेंशन में आप पढ़ पाएंगे क्योंकि टेस्ट सीरीज में अलग अलग डायमेंशन कवर हो जाते हैं। बिल्कुल सर। अगर आप पर्टिकुलर एक ही टेस्ट दे रहे हैं और अलग अलग कोचिंग्स के टेस्ट सीरीज लगाएं, किसी पर्टिकुलर एक पे फोकस ना करें। और इसके अलावा सर मेंस के लिए मैं बोलना चाहूंगा अधिक से अधिक आंसर राइटिंग करें। मैंने पर्सनली 30 से 40 टेस्ट दिए थे मेंस से पहले, जिससे प्रैक्टिस हो जाती है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाती है जिससे वहां पे आपका जो डर है वो खत्म हो जाता है। हाँ, मतलब जैसे मेंस में तो जैसा बोलते हैं कि सटीक आंसर जितना मतलब ऐसा बड़ा करने से अच्छा है कि आपको जो फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको मेन पॉइंट पर फोकस करना है तो वही चीज है। मेंस के लिए एक चीज मैं और सजेशन देना चाहूंगा जी सर, कि सजावट पे ध्यान ना दें आंसर लिखते टाइम। बिल्कुल, जो क्वेश्चन चेक करने वाले के दिमाग में एक बार जो छप गया तो वो उस हिसाब से आंसर देता है, उससे ज्यादा घुमाइए नहीं जी। जो सटीक फैक्ट्स हैं वो एक बार में जवाब दें, एक लाइन में दें। अगर एक शब्द में कोई आंसर है तो उसे एक शब्द में भी दिया जा सकता है, मार्क्स बराबर उतने ही मिलते हैं। ओके सर। सर एक और अंतिम प्रश्न मेरा है कि जैसे आपने मॉक के लिए भी कहीं प्रिपरेशन आपने की होगी, तो मॉक और ये मेन इंटरव्यू में सर क्या डिफरेंस रहा है? मतलब आपको लगा होगा ऐसा कि मॉक टफ होता है या मेन इंटरव्यू होता है? सर मॉक मैंने दिया था जी। मॉक की मैं बुराई नहीं करना चाहूंगा, मॉक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर। बिल्कुल बिल्कुल। मेन जो मॉक का एम होता है वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है जी। यहाँ पे भी जो प्रश्न पूछे गए वे काफी मॉक से मिलते जुलते थे। मॉक का बहुत महत्व है मैं ये मानूंगा आपका एक डर खत्म करने के लिए, और अंतर बस यही था कि यहाँ का जो बोर्ड था वो काफी आपसे लिबरल था। काफी इजी क्वेश्चंस थे, अगर आपको जवाब नहीं बनता तो आपको प्रेशराइज नहीं किया जाता। कहीं कुछ जगह संस्थानों में होता है कि प्रेशराइज कर दिया जाता है मॉक के दौरान आपको, लेकिन यहाँ पे बहुत लीनियर है, बेक ऑफ होके जाए, निडर होके जाए। बिल्कुल, मतलब ये बोल सकते हैं कि मॉक से इजी मेन इंटरव्यू है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि मॉक से इजी मेन इंटरव्यू जी। जो आने वाले विद्यार्थी हैं सर, जो कि आने वाले समय में इंटरव्यू देना चाहेंगे, उनको क्या आपका ओवरऑल फीडबैक देना चाहेंगे और क्या उनको सजेशन देना चाहेंगे? मेन फीडबैक मैं ये देना चाहूंगा कि अपने टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करें, अपने जिले को अच्छे से प्रिपेयर करें जी। कुछ करंट की योजनाएं जो है वे पढ़ लें बस, और मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी रखें, बस इतना काफी है इंटरव्यू के लिए। करंट अफेयर्स से भी थोड़ा सा, करंट अफेयर्स से थोड़ा अवेयर रहना जरूरी है, डेली न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है पढ़ना। बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि इंटरव्यू में डेली के जो क्वेश्चंस है सुबह के अखबार की खबरें ही पूछ ली जा रही है। बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी। हाँ जी, जैसा कि सर ने बताया अभी जस्ट इंटरव्यू सर देकर आए, सर ने बोला मध्य प्रदेश का थोड़ा सा ज्ञान, आपका डेफ फॉर्म हॉबी जो आप लिख रहे हैं उससे भी थोड़ा सा आप पढ़कर आए, साथ साथ न्यूज पेपर डेली का अपडेट आपको करके आना है क्योंकि करंट अफेयर से काफी अच्छे प्रश्न यहाँ इंटरव्यू में बन रहे हैं, तो आप लगातार अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहे। मध्य प्रदेश MPPSC 2020 के जो इंटरव्यू चल रहे हैं हमारे फोर्स MPPSC पे लगातार हम लोग एनालिसिस यहाँ से करके डाल रहे हैं, और सर को भी आने इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुभकामना। आगे का जो रिजल्ट आया उनका पॉजिटिव आए उसके लिए हम लोग सर को शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।